निशाज यंगारेस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के लिए जो गवर्नमेंट ने, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये एससीईआरटी स्टेट एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट की जो ये वेबसाइट है maa.ac.in, यहाँ पे अपलोड की गई है प्रश्न पेटी। ये अत्ता 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी, मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th और 12th की जो एग्जाम होने वाली है 2021 में, उससे पहले अभी मार्च में, मिड मार्च में ये गवर्नमेंट ने अपलोड करना शुरू किया है। अभी तक सारे पेपर्स अपलोड भी नहीं हुए। एक्चुअली ये पेपर्स नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक है, प्रश्न पेढ़ी मतलब क्वेश्चन बैंक। तो ये 10th स्टैंडर्ड का आप देखोगे क्लिक करके यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि ये मराठी मीडियम के लिए, ये 8 सब्जेक्ट्स के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है। इंग्लिश मीडियम के 4 सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड की गई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मराठी अक्षर भारती। तो धीरे धीरे यहाँ और भी आएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखा है, नोट इतर विषयांच्या प्रश्न पेढी संकेत स्थळावर लवकरच अपलोड होत आहे, मतलब के बाकी लैंग्वेजेस, बाकी सब्जेक्ट्स जो है उनकी भी क्वेश्चन बैंक जो यहाँ मेंशन किया हुआ है वहां पे ये जल्द ही अपलोड की जाएगी। तो अभी जो अपने पास अवेलेबल है उससे साथ हम शुरू कर सकते हैं अपना प्रेपरेशन। तो इंग्लिश मीडियम के लिए हम देखने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और अक्षर भारती में से। अब इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन बैंक है, तो ये डाउनलोड करके हम देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन बैंक, तो ये 10th स्टैंडर्ड के लिए दिया गया है मार्च 2021 में। सूचना है कि फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठी, मतलब ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए, सराव करने के लिए स्टूडेंट्स को ये प्रश्न प्रकार कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए है ऐसा। और सदर प्रश्न संचालित प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्न पत्रिकेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी। कि ये जो प्रश्न प्रश्न संच है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसके क्वेश्चंस बोर्ड में एग्जाम में आएंगे ही, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही, ऐसा नहीं है, ये प्लीज नोट कीजिए। तो ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस, तो ये उन्होंने मेंशन किया। और फिर भी एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस इसी लाइन पे हो गए, तो ये क्वेश्चन बैंक ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो करके ही जाना है हमें। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इसके लिए क्वेश्चन बैंक जैसे दी गई है, तो हर चैप्टर के लिए सेपरेट क्वेश्चन बैंक दी गई है, मतलब चैप्टर वाइज है ये। तो हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एंड देन पॉल साइंस के भी सारे चैप्टर्स, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से क्वेश्चन निकाल के दिए गए हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन from the given options and complete the sentence. So first question है, it may be said that Dash was the founder of modern historiography. आपने अपनी पढ़ाई की होगी तो आपको clearly पता है इसका answer Voltaire है, और ये दो तो आपके textbook के fill in the blanks से first chapter के, ये first and second. Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge. इसका answer Michel Foucault है. ये देखिए, ये रही हमारी history and political science की textbook. इसके अंदर जो exercise है first chapter की, उस exercise में ये दो questions हैं। मिशेल फॉकॉल्ट के आंसर है, वोल्टेयर के आंसर है, ये दो करेक्ट आंसर्स। तो यही हमारे क्वेश्चन बैंक में एक दो सवाल है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए वो ये है, डायलेक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन्ड बाय, इसका आंसर है हेगेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलेक्टिक्स का शॉर्ट नोट भी है, उसका आंसर भी हमने देखा है, स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू हेगेल से स्टार्ट होता है, तो ये हेगेल इसका आंसर है, ये करेक्ट है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फोर्थ है, At the onset of the 20th century, Dash School of Historiography in France gave a new direction to history writing. तो फ्रांस की जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, उसका एनल स्कूल, यही एक स्कूल का नाम दिया है, तो ये आंसर एनल स्कूल है, ये भी टेक्स्ट बुक से ही आपका। और क्लास थियोरी भी कार्ल मार्क्स की है, तो ये 5 fill in the blanks दिए गए हैं। ये देखिए पेज नंबर 4 पे डायलेक्टिक्स मेंशन्ड है, दिस इज हेगेल, अकॉर्डिंग टू हेगेल, ये शॉर्ट नोट का आंसर है जो, तो हेगेल ये करेक्ट है। कार्ल मार्क्स की क्लास थियोरी है, ये देखिए क्लास थ्योरी इज बाय कार्ल मार्क्स, एंड एनएल स्कूल था, न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन फ्रांस। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, इसके आंसर्स ये डायलेक्टिक्स हेगेल, और ये न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन फ्रांस इज एनएल स्कूल, क्लास थ्योरी इज कार्ल मार्क्स। क्लास थ्योरी बोलो, क्लास स्ट्रगल बोलो, इट इज कार्ल मार्क्स। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम चैप्टर 1। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के ये सवाल जो है, पहला वाला आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी हमारी टेक्स्ट बुक में देखा है, इसका आंसर है 4, कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। हमें पता है कार्ल मार्क्स की किताब का नाम है डास कैपिटल, और डिस्कोर्स ऑन द मेथड है बाय रेने डेस्कार्टेस। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर है।
तो यही हमें करना है। सेकंड जो है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, वो यहाँ है, यहाँ पे चार दिए हैं। कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल सही, हमने अभी देखा ऑब्जेक्टिव ना सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में। मिशेल फॉकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी हमने अभी किया। हेगेल और डायलेक्टिक्स का पेयर भी अभी हमने देखा है। तो रेने डेस्कार्टेस फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी गलत है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, वॉल्टेयर, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी इज वॉल्टेयर, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रोबेबली आ भी सकता है, तो ये तो टेक्स्ट बुक का ही है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, दे आर यूजिंग एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड मतलब जिसमें हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सके, तो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब में हो सकते हैं, फिजिकल जो है। लेकिन हिस्ट्री का इट्स साइंटिफिक बट इट इज नॉट समथिंग विच इज एम्पिरिकल, तो इसीलिए मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में भी साइंटिफिक मेथड यूज की जाती है। तो ये दो पेयर्स तो सही है। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी के बारे में भी हमारे टेक्स्ट में लिखा है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यहाँ स्टार्ट किया गया। और एनएल स्कूल अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी, जो पांच हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन थे, एनएल स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस ने शुरू किया, नॉट ब्रिटिश, तो रॉन्ग पेयर ये है, एनएल स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस आएगा। तो ये हमारे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर के सवाल हो गए। ये देखिए टेक्स्ट बुक में पेज 3 पे है, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, इट फर्स्ट दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सो अलग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट टाइम यहाँ बनी, गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में। तो पहले हिस्ट्री में आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर 2 मार्क के लिए होता था, तब कहा जाता था आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड करेक्ट इट, लेकिन अब आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड री राइट इट है, तो जो रॉन्ग पेयर है उसे हमें लिखना है, पूरा लिखना है ये, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट नहीं करना, इट इज फॉर 1 मार्क्स ईच। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वो है कंसेप्ट चार्ट। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट चार्ट्स दिए गए, एक टेक्स्ट बुक का है, दिस इज नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट, दिस इज नॉट फ्रॉम द एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक, ये है वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो चार डिसिप्लिन्स के नाम लिखने हैं, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में ही है, ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक से बाहर से कुछ नहीं आता। तो आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, जीनियोलॉजी, ये तीन चार नाम हमें याद करने हैं। ये देखिए आपका पेज 2 पे ही है ये, वेरियस डिसिप्लिन मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो बहुत सारे नाम है, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, है ना, पर हमने चार उठाए, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और जीनियोलॉजी। ये तीन तो एनीवे इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजी आपको समझता है, आर्कियोलॉजी मीन्स जो खोद के इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जो भी हमें जो डिग करके मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन करके, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी, दैट डिसिप्लिन इज आर्कियोलॉजी। एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, एंड जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ लिनिएज। ये तीनों तो हमने अच्छे से याद किया है। तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट चार्ट में वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ये चार नाम लिखने हैं, है ना। और दूसरा कंसेप्ट चार्ट तो आपके टेक्स्ट बुक का ही है, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, तो आप इजी चार स्कॉलर्स के नाम लिख सकते हैं, कोई भी चार, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये इजी नाम है सारे हमारे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस में भी ये नाम हमेशा आते ही है, सो दीज आर सिंपल नेम्स, तो चार नाम ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट चार्ट, ये टेक्स्ट बुक का ही कंसेप्ट चार्ट है। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये हमारे टेबल कंप्लीट करना है, यहाँ पे चार बुक्स और राइटर्स ऐसे पेयर है। तो द हिस्ट्री लिखा है, इसका राइटर हमें लिखना है, दैट इज हेरोडोटस, डिस्कोर्स ऑन द मेथड बाय रेने डेस्कार्टिस, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, एंड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिशेल फॉकॉल्ट। बहुत ही इजी सवाल है, तो ये है एक कंप्लीट द टेबल। दूसरा है पर्सनालिटीज एंड स्पेशल फीचर्स, तो यहाँ पे भी चार नाम है, अगेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी है, मिशेल फॉकॉल्ट आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, वॉल्टेयर के बारे में ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, एंड सिमोन डी ब्यूवर एक नाम हमें याद रखना है, ही शी शी फाउंडेड द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, शी एस्टैब्लिश्ड द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, है ना। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक में ही है, मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए पेज 5 पे, सिमोन डी ब्यूवर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म मींस रिलेटेड टू वुमेन, तो ये सिमोन इधर नाम इसीलिए आया, यहाँ लिखा है द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, हमें ये ब्लैंक फिल करना है पर्सनालिटी का नाम, तो इट विल कम सिमोन डी बीवर। तो ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, तो हमें ये याद करने हैं। तो ये दोनों कंप्लीट द टेबल्स टेक्स्ट बुक के बाहर के, और ये आ सकते हैं, और लेकिन बाहर के भी ये टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं है, फिर भी ये बहुत ईजी है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया, ऊपर के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी, अभी तक के सवाल भी आपने अच्छे से समझ लिए यहाँ तक, तो ये बहुत इजी हो जाता है, तो ये इजीली आप इसको याद कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो यहाँ पे चार शॉर्ट नोट के लिए चार सवाल दिए हैं हमारे, इसमें से आप देख सकते हैं डायलेक्टिक्स, एनएल स्कूल, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ रहे हैं। रेने डिस्कार्टिस के ऊपर भी शॉर्ट नोट ईजी है क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, आप देख सकते हैं पेज 3 पे रेने डिस्कार्टिस, तो इसका शॉर्ट नोट ये इतने पॉइंट्स आएंगे यहाँ तक ही है ये। तो ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग दैम। तो सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिलायबल है कि नहीं, भरोसेमंद, हम उन पे विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, वो हमें क्रिटिकली उनको एग्जामिन करके वेरीफाई करना है। उन्होंने किताब लिखी, बुक का नाम यहाँ दिया गया, ये देखिए डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और वो जो कहते थे, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ तक ही हमें ये आंसर लिखना है। तो रेने डेस्कार्टिस का आंसर इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट, और डायलेक्टिक्स भी आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, हमने देखा भी है, एक बार फिर से देख लेंगे। ये देखिए डायलेक्टिक्स का आंसर ही आपका पेज नंबर 4 पे, ये येलो बॉक्स है। तो यहाँ पे आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेगेल, तो ये हेगेल ने डायलेक्टिक्स प्रपोज किया था, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, अगर कोई भी चीज को हमें समझना है, ट्रू नेचर उसका समझना है, तो हमें वन नीड्स टू नो बोथ, सच्चा और झूठा दोनों, सच और झूठ, अच्छा और बुरा सब पता होना चाहिए। तो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स, जिनमें हमें ट्रू और फॉल्स, गुड एंड बैड दोनों पता होना चाहिए, ऐसे ऑपोजिट्स पता होने चाहिए, उस मेथड ऑफ एनालिसिस को डायलेक्टिक्स बोलते हैं। तो ये डायलेक्टिक्स का शॉर्ट नोट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इधर इतना लंबा ये आंसर इसका कंप्लीट नहीं होता, ये बीच का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ अकॉर्डिंग टू हेगेल के बाद कॉमा करके आई स्मॉल करके आपको ऐसे आंसर लिखना है। तो डायलेक्टिक्स के बाद हमें और तीन टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं, वो है थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो ये आपके शॉर्ट नोट के लिए चार पॉइंट्स हो गए। तो थीसिस क्या है, तो इन द इन दिस मेथड ऑफ एनालिसिस जो डायलेक्टिक्स है उसमें क्या करते हैं, पहले एक थ्योरी प्रपोज करते हैं बिगिनिंग में, तो ये थ्योरी को थीसिस बोलते हैं। जैसे कुछ भी है कि एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन तंग करेंगे तो सही होगा, हमारा हो जाएगा, समझो ये हमारी थीसिस है। तो एक थ्योरी प्रपोज कर दी हमने बिगिनिंग में, ये थीसिस है कि हमारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे, ठीक है। फिर अनदर थ्योरी इज प्रपोज व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द थीसिस, कि नहीं सारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन बैंक से नहीं आएंगे, अगर लेस देन 50% आए तो एक थीसिस का एंटी थीसिस बनाते हैं, फिर उल्टा उसका, है ना। तो ये दो दोनों चीज बनाते हैं हम, दोनों प्रपोज करते हैं, फिर दोनों के बारे में सोचते हैं, दोनों का लॉजिकल डिस्कशन करते हैं, किसके चांसेस ज्यादा है, कम है, क्या है, जिस्ट क्या है दोनों का, और फिर दोनों का मर्ज करके जो फाइनल एक एस्पेक्ट आता है उसे न्यू थीसिस को सिंथेसिस कहते हैं, जो दोनों का अच्छा और दोनों के पॉइंट साथ में इकट्ठा करके क्लियर पिक्चर दे। सो दैट मेथड इज कॉल्ड डायलेक्टिक्स। तो ये जो फाइनल थीसिस बनती है उसको सिंथेसिस बोलते हैं। सो दिस इज द आइडिया। और बाय द वे आपके सवाल के लिए कि ये क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवे मेजोरिटी तो टेक्स्ट बुक के सवाल तो है ही, वो आएंगे ही, मतलब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक ऐसी है कि टेक्स्ट बुक के अलावा बाहर के अगर सवाल आए तो आपको ऑलरेडी दे दिए कि ये सवाल आ सकते हैं, ऐसा हो गया, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं कि आप ये कर सकते हो। और एनी वे इंपॉर्टेंट तो आपको विदाउट क्वेश्चन बैंक भी हम बता ही देते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो ये है रेनेल स्कूल का आंसर भी आपका यहाँ पे, ये देखिए हमने ऑलरेडी देखा, दिस इज अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी फ्रॉम फ्रांस। तो हिस्ट्री एक्चुअली ऐसा माना जाता है, हिस्ट्री हम हमेशा सोचते हैं हिस्ट्री मतलब कौन से राजा थे, कौन से लीडर्स थे, है ना, क्या क्या हुआ था, कौन से वॉर्स हुए थे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री सिर्फ इस बारे में नहीं है, बट लोकल जो पीपल थे वो टाइम के, जो कॉमन पीपल थे वो कैसे थे, वो क्या करते थे, उनका ट्रेड, एग्रीकल्चर क्या होता था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, सोसाइटी कैसी थी, सोशल डिविजन्स कैसे थे, है ना, उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी थिंकिंग कैसी थी, वो सब इम्पोर्टेंट है। तो एनएल स्कूल ने ये स्टडी करना, ये रिकॉग्नाइज किया ये हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ऐसी होनी चाहिए, तो इसलिए एनएल स्कूल इम्पोर्टेंट है। इट वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो यहाँ आपका एनएल स्कूल का शॉर्ट नोट हो जाता है। जो ये थर्ड क्वेश्चन है द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन ये जो है इसका शॉर्ट नोट आपका यहाँ पे आएगा फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग पे, ये पेज नंबर 2 है। तो पेज नंबर 2 पे यहाँ पे ये देखिए, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी, ये डेफिनेशन है हिस्टोरियोग्राफी। और स्कॉलर जो ऐसा हिस्ट्री लिखता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं, द स्कॉलर हु राइट्स सच अ नरेटिव इज अ हिस्टोरियन। और हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव, सब कुछ तो वो हिस्ट्री नहीं लिख सकते पूरा, तो इनको उनका जो क्या इंक्लूड करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम, कि वो किस कंसेप्ट पे किस बात पे लिख रहा है,
कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख रहे, तो उसके ऊपर वो वाले रिलेटेड इवेंट्स उठा के उस पर हिस्ट्री लिखेंगे। तो ये यहाँ पे लिखा है, तो इसमें से आपका द हिस्टोरियन का शॉर्ट नोट यहाँ से आएगा, यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर आपका शॉर्ट नोट 4 है, उसके बाद नेक्स्ट रेने डेस्कार्टेस हमने शुरू में ही देखा, रेने डेस्कार्टेस डायलेक्टिक्स, ये दो भी हमने देख लिए। फिर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद इट्स रीजंस। तो ये फर्स्ट जो है गिव रीजन, वो है जो टेक्स्ट बुक का नहीं है, जो टेक्स्ट बुक के गिव रीजन है वो यहाँ पे है। देखिए हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हम देखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन इन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। ये गिव रीजन ऑफ फौकॉल्ट कॉलेज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये दो गिव रीजन है, इनमें से इम्पोर्टेंट ये वाला है फौकॉल्ट कॉलेज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और इसके अलावा दो एक्स्ट्रा गिव रीजन जो है, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये क्या है, ये है इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसका गिव रीजन देना ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है, बताती हूँ मैं। और फोर्थ है इट इज सेड दैट वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तब ये वॉल्टेयर वाले आंसर का ऐसे है कि ये गिव रीजन तो आपका 2019 में भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और 2020 बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो हो सकता है ये साल भी रिपीट करे। या थर्ड वाला गिव रीजन, अगर इस चैप्टर से गिव रीजन आएगा तो ये वाला है, तो प्रोबेबिलिटी ये है। टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन आने की चांसेस काफी कम है, पर फिर भी हम ये दो गिव रीजन भी कहाँ है देख लेंगे, गिव रीजन भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो सेंटेंस है फर्स्ट, इसका गिव रीजन इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये हमारी टेक्स्ट बुक में ही हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे, ये देखिए यहाँ से स्टेटमेंट लिया है, तो इसके रीजन बिकॉज यहाँ दिए है। पर ये समझने से पहले हमको आंसर में तो नहीं लिखना, पर ये पता होना चाहिए, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज में एम्पिरिकल मेथड यूज हो सकता है, मतलब एम्पिरिकल मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड, जैसे फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिकल साइंस नेचुरल साइंस है बायोलॉजिकल साइंस, तो ये जो साइंसेज है इनमें लेबोरेटरी मेथड यूज होती है, तो इसमें हम लॉज बना सकते हैं और ये लॉज को टेस्ट भी कर सकते हैं रिपीटेडली, और ये लॉज भी हमेशा सही रहेंगे, टाइम स्पेस जो भी हो ये सही रहेंगे, है ना, जैसे फिजिक्स के लॉज कहीं भी हो कोई भी टाइम पे हो सही होंगे, ऐसा सेम फॉर केमिस्ट्री एंड इवन बायोलॉजी। पर ये जो साइंस है ये फिजिकल एंड नेचुरल साइंस है, हम हिस्टोरिकल रिसर्च की जब बात करेंगे तो उसमें हम लेबोरेटरी मेथड नहीं यूज कर सकते। रीजन क्या है इसका, बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। तो हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली एक्चुअली क्या हुआ था, तो हम ये एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व नहीं कर सकते कुछ, और हिस्टोरिकल इवेंट्स रिक्रिएट नहीं कर सकते, फिर से वैसा ही हुआ हम ऐसा कुछ रिक्रिएट नहीं कर सकते जैसे लैब में हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज, या हम कोई लॉज नहीं बना सकते हिस्ट्री में जो हमेशा ट्रू रहेगी, कोई भी टाइम कोई भी स्पेस हो ये ट्रू रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स मेथड नहीं यूज कर सकते, तो ये आपका गिव रीजन है। तो सिर्फ ये पैरा ही आएगा, आपको फिजिकल नेचुरल साइंस का लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इधर से एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट इवन इफ इज यू राइट दीज टू रीजन यू गेट द मार्क्स। फिर सेकेंड गिव रीजन है हिस्टोरिकल रिसर्च वॉज ड्रिवन इन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो ये आपका टेक्स्ट बुक का गिव रीजन है, इसका ये 2 और 3 टेक्स्ट बुक के गिव रीजन से ये हम देखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो वुमेन्स लाइफ पे फोकस करते हुए अब हिस्टोरिकल रिसर्च काम करने लगी, तो इसका आंसर यहाँ पे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जहाँ पे है, तो इस पैराग्राफ में ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर ऊपर है क्यों ये किया गया, है ना। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब रिस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। सिमोन डी बेवर ने इसमें इंपॉर्टेंट काम किया, हमने ये देखा ऑब्जेक्टिव में भी, हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, ये फ्रेंच थी। तो अब यहाँ से ये तो दो फैक्ट स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का डेफिनेशन और सिमोन डी बेवर के बारे में। मेन हमारा आंसर यहाँ से शुरू होता है कि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी नॉट ओनली एम्फसाइज्ड ऑन इंक्लूजन ऑफ वुमेन हिस्ट्री, मतलब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब सिर्फ वुमेन के बारे में लिखो नहीं, मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव जो हिस्ट्री का उसको बदलना है, मेल थिंकिंग से हम हिस्ट्री लिखते हैं तो वो रीथिंकिंग चाहिए, तो इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च होने लगा ऑन वुमेन्स लाइफ ड्यूरिंग दोस टाइम्स, कि वो क्या काम करते थे, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या था, कौन सी इंस्टीट्यूशंस थी संस्थाएं थी जो उनके लिए काम करती थी, जैसे विडो रीमैरिज के लिए, अगेंस्ट सती वगैरह, है ना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस काम करती थी उनके बारे में पता करना, फैमिली लाइफ वुमेन की वो टाइम पे कैसी थी वो सब पता करना, तो ये सब के ऊपर रिसर्च होने लगा।
क्यों रिसर्च होने लगा? क्योंकि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को पुश मिला, और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सिर्फ इतना नहीं कि वुमेन के बारे में भी लिखो, ऐसे उनको भी साथ में ऐड कर लो, पर्सपेक्टिव रीथिंक करना है, रीथिंकिंग ऑफ पर्सपेक्टिव वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए रिसर्च की जरूरत थी। तो ये हमारा गिव रीजन है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉकॉल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो ये तो आपका टेक्स्ट बुक का गिव रीजन ही है, और इसका आंसर यहीं पे मिशेल फॉकॉल्ट के पैराग्राफ में। तो ये भी फ्रेंच हिस्टोरियन थे और इन्होंने बुक लिखी है टाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पर ये अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्यों कहते थे, तो उनके स्टार्टिंग में इनके बारे में लिख सकते हैं। ये मिशेल फॉकॉल्ट वाज अ फ्रेंच हिस्टोरियन हु रोट द बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। फिर ही आर्ग्यूड दैट करके हम शुरू कर सकते हैं। ही आर्ग्यूड दैट प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। मतलब एक के बाद एक हम लिखते गए कि ये राजा है, फिर ये राजा है, ये लड़ाई लड़ी गई, फिर ये लड़ाई लड़ी गई, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्टोरिकल इवेंट्स अरेंज करके हम लिख दिए, वो सही नहीं है। ये आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। आर्कियोलॉजी क्या होता है? जब खोद के हम ना अंदर से निकालते हैं, आर्कियोलॉजी मतलब जो पुरानी चीजें है जो वो सब नीचे दबी हुई है अर्थ के अंदर, तो हम जमीन खोद खोद के उनको निकालते हैं, तो उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजी जब की जाती है तो पूरा एक लेयर निकाला जाता है मट्टी का, पूरा इतना जो एरिया में ये है ना, ये शक है या ऐसे है कि यहाँ पे पुराना सिविलाइजेशन था, सेटलमेंट था कुछ, तो उधर एक्सकेवेशन किया जाता है, उधर जमीन खोदी जाती है और लेयर बाय लेयर निकाला जाता है एक एक लेयर। तो क्या मिल रहा है ये लेयर निकाल के, इससे और एक लेयर निकाल के कैसे क्या मिल रहा है, और नीचे धीरे धीरे करके वो पूरे लेयर निकालते जाते हैं। तो मिशेल फॉकॉल्ट कहते हैं जैसे आर्कियोलॉजी में ये नहीं है कि बस पूरा खोद के नीचे तक पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता, हर एक लेयर में एक एक सिविलाइजेशन के बारे में, उनके टाइम के बारे में होता है इन्फॉर्मेशन, तो हमको हर एक लेयर को समझना है, हर एक ट्रांजिशन को समझना है, वो आर्कियोलॉजी होता है। ऐसे नहीं कि आप पूरा नीचे तक बस पहुंच जाना है कैसे भी। तो आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ, बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, कि कैसे चेंजेस आए एक एक करके, एक एक लेयर कैसे आया, वो कैसे एक एक चेंज आए हिस्ट्री में, तो वो ट्रांजिशन इन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, लेकिन इसके बाद ये क्यों हुआ, क्या हुआ, वो एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी है। तो आर्कियोलॉजी की तरह होना चाहिए हिस्ट्री नॉलेज भी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बुक का नाम भी रखा, उनके मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो ये इसका गिव रीजन He called his method archaeology of knowledge. तो मिशेल फॉकॉल्ट के archaeology of knowledge के सवाल के बाद जो next give reason है वो है, it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. तो Voltaire पे सवाल तो actually 2019 में भी पूछा है board में, 2020 के board paper में भी पूछा है, और same सवाल है give reason 2020 के paper. तो ये जो है ये सवाल repeat हो भी सकता है, chances कम है, लेकिन फॉकॉल्ट वाला give reason सबसे ज्यादा important है। तो ये देखिए अभी इसका आंसर भी कैसे दिखेंगे, वॉल्टेयर फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे वॉल्टेयर का पैराग्राफ। तो ये भी फ्रेंच थे, है ना, सिमोन डी बर्बर भी फ्रेंच थी, मिशेल फॉकॉल्ट भी फ्रेंच थे, एनएल स्कूल फ्रेंच की थी, और वॉल्टेयर भी फ्रेंच थे, है ना। कार्ल मार्क्स वॉज नॉट अ फ्रेंच, कार्ल मार्क्स वॉज फ्रॉम जर्मनी। तो ये वॉल्टेयर जो है उन्होंने कहा कि अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी, मतलब क्रोनोलॉजी रखो आप हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में सब लिखो, पर इनके साथ साथ अलॉन्ग विद क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इवन सोशल ट्रेडिशन, वही सेम जो मिशेल फॉकॉल्ट बाद में कह रहे थे, ये पहले इन्होंने शुरू में इन्होंने ये ओपिनियन रखी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। वो कहते हैं कि सोशल ट्रेडिशन क्या है, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, वो सब भी बोलना, उनके बारे में भी बात करना इक्वली इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो सारे ह्यूमन लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है हिस्ट्री राइटिंग में, ये उनका मानना था, ये उनका ओपिनियन था। तो ये थॉट उभरा उनकी वजह से, ये थॉट को एक यू नो पुश मिला इनकी वजह से, वोल्टेयर की वजह से, इसीलिए ही इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा गिव रीजन हो गया, तो ये चार गिव रीजंस है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो ये क्वेश्चन आपका चार मार्क के लिए आता है, दो एक एक मार्क के सवाल होते हैं, लास्ट थर्ड वाला क्वेश्चन दो मार्क का, तो फोर मार्क के लिए आ सकता है। तो पैसेज क्या है हमारी टेक्स्ट बुक से, यही है, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेरियन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मींस प्रेजेंट डे इराक। तो नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड देयर स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ इंस्क्रिप्शंस पाए गए मेसोपोटामिया में। The earliest inscription shown above dates back to 4500 BC. Shown above तो यहाँ तो diagram नहीं है। It records the battle fought between two kingdoms. It is now displayed at Louvre Museum in France. तो Louvre Museum in France में ये है।
ये पैसेज है, इसके बेस पे सवाल है, चार तीन सवाल, 4 मार्क्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कल्चर इज द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस, इन विच कल्चर? तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है, सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटेमिया, है ना? तो हम पूरा आंसर लिखेंगे, द कल्चर इन विच द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स टुक प्लेस वॉज सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटेमिया। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड? तो ये ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है मेसोपोटेमिया का, एंड इट इज डिस्प्लेड एट लोवर म्यूजियम, सो इट इज फाउंड, द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द लोवर म्यूजियम इन फ्रांस। तो ये एक एक मार्क के आंसर, फुल सेंटेंस लिखने हैं हमको, ये ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन हाउ द इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर पैसेज में नहीं, हमको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, पर पैसेज से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखिए, इंस्क्रिप्शन सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों है? क्योंकि इंस्क्रिप्शन से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लाइक, या जो नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स है, तो इन जनरल सवाल है, हमें सुमेर सिविलाइजेशन का नहीं पूछ रहे। तो इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम्स ऑफ किंग्स, स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय देम, वो भी यहीं से लिखा हमने, फिर रॉयल ऑर्डर्स, जुडिशियल डिसीजंस, डोनेशन, सारा सब इंस्क्रिप्शंस में डाला जाता था। इनकी स्टडी करेंगे तो काफी सारा इन्फॉर्मेशन उस टाइम का मिलेगा, तो देयरफॉर इंस्क्रिप्शंस आर अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये हमारा 2 मार्क के लिए आंसर हो सकता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन 5, ये 5 सवाल है, दैट एंड्स अ चैप्टर, देन कम्स सेकंड चैप्टर। तो ये 5 सवाल जो है, ये देखिए, फर्स्ट है एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, ये देखिए, और ये 2019 में पूछा भी गया है, वापस भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये भी यहाँ पे है। एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, ये भी है ना? तो ये देखिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, लियोपोल्ड वॉन रैंक, और व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वो भी सवाल है, 4 इनमें से सवाल है। एक्स्ट्रा सवाल जो है वो लास्ट सवाल, राइट द स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन अ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो ये एक्स्ट्रा ब्रीफ क्वेश्चन है, बाकी 4 तो आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक्चुअली हो सकता है मार्क्स थ्योरी, अगेन पूछ सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी आप अच्छे से करके जाए, बहुत ईजी सवाल है ये, फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे पूछा है, तो हो सकता है ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा लियोपोल्ड वॉन रैंक आने के थोड़े कम चांसेस है, बाकी नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे, इसके चांसेस बहुत बहुत कम है कि आपको वो सवाल आएंगे। तो ये देखिए, कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी हम देख लेंगे। तो पहला सवाल है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। तो ये आपका पेज नंबर 4 पे कार्ल मार्क्स का यहाँ पे आंसर है, ये देखिए। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। तो हिस्ट्री लिख रहे तो आइडियाज के बारे में सिर्फ नहीं लिखना है, लोगों के बारे में लिखना है। तो ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब लोगों के बारे में लिखो, बाकी सब चीजें भी, सिर्फ राजा और के बारे में और उन्होंने क्यों कौन सी लड़ाई लड़ी वही इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना? या मॉडर्न टाइम्स में भी जो रूलर्स थे उनके बारे में हम लिखे, ऐसा नहीं होता। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस की फंडामेंटल नीड्स होती है, फंडामेंटल नीड्स मतलब बेसिक नीड्स, मतलब के रोटी कपड़ा मकान जैसे, फूड क्लॉथिंग शेल्टर। तो ये फंडामेंटल नीड्स जो लोगों की है वो किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है, वो नेचर कैसा है, तो ये फंडामेंटल नीड्स कैसे पूरी होगी, मतलब लोगों को रोटी कपड़ा मकान कैसे मिलेगा, काम करके, काम कैसे करेंगे, मतलब कौन काम करेगा, कौन काम करवाएगा, बॉस कौन होगा और नौकर कौन होगा, मालिक और नौकर, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जैसे जमीन किसके पास है, पैसा किसके पास है, मशीनरी किसके पास है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओनरशिप किसके पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओनरशिप किसके पास है, कैसे है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिपेंड्स ऑन ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि ये ह्यूमन फंडामेंटल नीड्स कैसे फुलफिल होगी इसके ऊपर डिपेंड करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वो इनइक्वालिटी है उधर ना, ये सबके लिए इक्वल नहीं है। तो इनइक्वालिटी जब है तो इनइक्वालिटी की वजह से क्लास स्ट्रगल होता है, मतलब हैव्स एंड हैव नॉट्स, ऐसे कार्ल मार्क्स का था। हैव मतलब जो वेल टू डू लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, जमीन है, सब है, और हैव नॉट्स है जिनके पास कुछ भी नहीं, वो उनके लिए काम करते, उनको जो वो पगार देते, पैसा देते, उनमें उनको रहना पड़ता है। तो ये जब होता है तो उसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्यों क्लास स्ट्रगल के बारे में? क्योंकि जिसके पास पैसा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो ओन करता है, वो दूसरी बाकी सब क्लासेस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है, उनको कम पैसा देगा, कम पगार देंगे और ज्यादा काम करवाएंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है।
तो क्लास स्ट्रगल होता है, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और ये जो हिस्ट्री है दैट इज द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। तो कार्ल मार्क्स का कहना ये था, उन्होंने बुक भी लिखी है दास कैपिटल, तो कम्युनिस्ट आइडियाज इन्होंने दी थी, एक बुक भी काफी फेमस, इट्स सेड टू बी द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, उसका आंसर ये आएगा। सेकेंड है, व्हाट आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसका आंसर आपका पेज टू पे यहाँ पे देखिए, फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी साइंटिफिक होनी चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक होनी चाहिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड स्ट्रीम भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब इट शुड बी अबाउट ह्यूमंस, उस टाइम के ह्यूमंस के बारे में होनी चाहिए। तो मतलब ये ह्यूमंस के बारे में, उनके बारे में, उनका और भगवान का क्या रिलेशन है, उनके कर्म की वजह से उनको ये सजा मिली, और ऐसे सब बातें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अबाउट ह्यूमन, ह्यूमन ओनली, नॉट ब्रिंगिंग इन द डिवाइन। सो हिस्टोरिक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब साइंटिफिक होनी चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक होनी चाहिए, और चार दूसरा दो पॉइंट्स क्या है, चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा है, इट शुड आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। तो हमको एंथ्रोपोसेंट्रिक सवाल पूछने हैं फिर, और ये आंसर्स जो हमें क्वेश्चंस के मिलेंगे ह्यूमन रिलेटेड क्वेश्चंस के, उनके आंसर्स में के रिलायबल एविडेंस होने चाहिए कि आप ये सवाल का ये जवाब दे रहे हो, ऐसा क्यों था, ऐसा ये ह्यूमंस का ऐसा क्यों था। तो अगर ये सवाल पूछ रहे तो उसका रिलायबल एविडेंस के साथ आंसर्स होने चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि मैनकाइंड जर्नी जो है, हिस्ट्री जो बनाएगी मैनकाइंड जर्नी के बारे में लिखेगी, तो वो पास्ट ह्यूमन डीड्स क्या थे, ह्यूमन एक्शंस क्या थे, उसके बेसिस पे हिस्ट्री बनेगी। तो ये है, तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, यहाँ से हमारा आंसर आएगा। फिर थर्ड है, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिमोन डी बेवर का पूरा पैराग्राफ जो था फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ से, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सिमोन डी बेवर, और कैसे हिस्टोरिकल रिसर्च वुमेन्स लाइफ पे इन डेप्थ फोकस करने लगे। तो ये हमारा पैरा आएगा शॉर्ट नोट, व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फोर्थ है, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री, इसका आंसर भी हमारे टेक्स्ट में ही है, ये देखिए लियोपोल्ड वॉन रैंक यहाँ पे ये है। तो इनका क्या मानना था, ये फ्रेंच नहीं है, ये बर्लिन यूनिवर्सिटी के, जर्मनी के, तो ये भी क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में उन्होंने बात की कि इन्फॉर्मेशन गैदर करो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से, उनको भी एग्जामिन करो कि वो सही है कि नहीं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनके थ्रू हिस्ट्री लिखना चाहिए बराबर एग्जामिन करके, हिस्टोरिकल ट्रूथ मिलना चाहिए, कुछ भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनेटिव नरेशन नहीं होना चाहिए हिस्ट्री में, ही क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। तो ये लियोपोल्ड वॉन रैंक थे, तो इनकी भी दो किताबें, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये हमारा शॉर्ट नोट यहाँ आ जाएगा, आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन लियोपोल्ड वॉन रैंक्स पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। और लास्ट क्वेश्चन जो है, राइट द स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट पेज पर ही है, जो डायग्राम दिया है पेज वन पे, ये देखिए ये जो हमारा डायग्राम है, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो वो यहाँ लिखा है, ये हमारा सवाल है, राइट द स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या स्टेप्स है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये कलेक्टिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को सारे कलेक्ट करेंगे हम, और जो रेफरेंसेस दी गई है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली उसके जो रेफरेंसेस दिए गए सोर्सेज, उनको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, रेफरेंसेज को, रेलेवेंट रेफरेंसेज को एग्जामिन करना है, और फिर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन सारा कलेक्ट करके हमको उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। रेफरेंसेस कैसे मिले हमको, टाइम स्केल क्या है, कौन से टाइम के है, कौन सी जगह के है, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से रेफरेंसेस को समझना, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चंस बनाना, और वो क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स की फॉर्म में हाइपोथीसिस बनाना, जैसे थीसिस एंटीथीसिस हमने की, तो वो स्टेप करना है हमको। उसके बाद जो है हमारी फाइनल सिंथेसिस आएगी। हिस्ट्री लिखने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स करके जाने होंगे। पहले तो जो सोर्सेज है उनका इम्पोर्टेंट है, ये पूरा हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, सोर्सेज निकालना, रेफरेंसेज निकालना जरूरी है, फिर उसको रेलेवेंट बनाना, इन दोनों में वही देख रहे हैं, और फाइनली हाइपोथेसिस देके सिंथेसिस पे पहुंचना, फाइनल हिस्ट्री लिखने के लिए स्टार्ट करना। सो दीज आर द स्टेप्स। सो यही हमको स्टेटमेंट्स बना के आंसर में लिखना है, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक फिनिश होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।